हर पतंग जानती है कि आना तो आखिरकार नीचे ही है, लेकिन हर पतंग ये भी जानती है कि उससे पहले आसमान को छूकर दिखाना है। कुछ इसी तरह पतंग जो संदेश हमें देती है, उसे हम अलग-अलग वर्ग के लोगों के साथ हर साल बांटते आए हैं। अलग-अलग तबके के लोगों के साथ, अलग-अलग क्षेत्र के लोगों के साथ वीएनएम का पतंग उत्सव आपने हर साल देखा है। ऐसी ही एक और याद को ताजा करेंगे, वीएनएम पतंग उत्सव जो हमने मनाया था बस्ती के बच्चों के साथ, और उड़ान चेहरे पर लाए मुस्कान नामक इस टाइटल के साथ जब ये कार्यक्रम किया था, तो वो बच्चों की जो मुस्कान थी वो वीएनएम टीवी के जहन में आज तक ताजा है, और मैं जरूर आश्वस्त हूं कि आप सबको भी वो मुस्कान याद ही होगी। वीएनएम टीवी ने एक अनोखी पहल करते हुए गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के आशय से पतंग उत्सव का आयोजन किया, जिसमें पाठशाला स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत कर पतंग उत्सव का आनंद लिया। पतंग उत्सव में 10 इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स ने विभिन्न आकारों की पतंग आसमान में उड़ाकर समा बांधा। फेस्टिवल में हिस्सा लेना सभी बच्चों के लिए शायद मुमकिन नहीं है, तो वीएनएम ने कोशिश की है कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है पाठशाला के, वो ये नजारा इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग का जो लुक है वो आज उठा सके। इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स का वीएनएम फिर से स्वागत करता है कि वो यहाँ पे आए। बच्चों को पतंग, मांजा, सनग्लास, टोपियों इत्यादि का वितरण भी किया गया, जिसको पाकर बच्चे बेहद उत्साहित दिखाई दिए। इस अवसर पर बच्चों ने पतंग उड़ाने का भी आनंद लिया। वीएनएम चैनल बड़ौदा की लोकप्रिय चैनल है। वो बड़ौदा को समाचार, मैसेज या आगे बढ़ाने का काम वीएनएम चैनल करती है। वो खेल कूद में भी, बच्चों को खेल कूद में आगे लाना, वो भी वीएनएम चैनल करती है।
उसके साथ साथ परिवार एक उड़ान चेहरे पे मुस्कान पतंग उत्सव के द्वारा जो टाइटल दिया गया है, सच में ये जो बच्चे हैं स्ट्रीट में खेलने वाले बच्चे जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं, और ये बच्चों को पतंग उत्सव मनाना, उनके साथ ये पूरे बड़ौदा के जो गणमान्य व्यक्ति है, मेयर सी है, चेयरमैन सी है, डेप्यूटी मेयर सी है, उनके साथ ये बच्चों को पतंग उत्सव मनाना, ये एक वीएनएम का एक आगवी सूझ है। मैं वीएनएम परिवार को बहुत ही अभिनंदन देना चाहती हूँ कि अकेला न्यूज़ देना वो उनका काम नहीं है, बड़ौदा के कौन से बच्चे को क्या स्टेज पे आगे लाना है, उनको कहाँ आगे लाना है, ये एक बहुत बड़ी बात वीएनएम परिवार कर रहा है। सर आप देख रहे हैं क्या माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? मैं वीएनएम परिवार और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी वजह से इतने सारे बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल, जो मुस्कान वो लाए हैं, उसकी कोई कीमत लगा नहीं सकते। काइट फेस्टिवल के तौर पे इतना सुंदर आयोजन करने के लिए फिर से एक बार पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं, और इन सभी बच्चों को भी हैप्पी उत्तरायण। कहते हैं कि जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों पर जाओ, लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि अपना गंतव्य स्थान नीचे ही है। ऊंचाई पे आप पहुंच सकते हो कभी, लेकिन अपना गंतव्य स्थान नीचे ही आना है। इसलिए ऊंचाई पर होते समय अपने शरीर में, अपने मन में कहीं पर ऐसा भाव पैदा ना हो, ऐसी मगरूरता या घमंड पैदा ना हो, ये पतंग हमें सिखाती है। जो अलग अलग प्रकार का काइट जो उन्होंने इधर बच्चे के साथ, जो लोग इधर आए थे उसके साथ उन्होंने अलग अलग प्रकार का काइट उड़ान किया, वो भी बच्चे ने बहुत खुशी से मनाया है। एक उड़ान चेहरे पे लाए मुस्कान करके जो एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, मैं वीएनएम को खूब खूब धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने अपने जो ये मीडिया की जो कामगिरी है उसके साथ साथ ये जो एक संवेदनशील सब्जेक्ट लेके स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए ये प्रोग्राम आयोजन किया है, उसके लिए मैं उनको अभिनंदन देती हूँ। वो स्ट्रीट चिल्ड्रन को जो पढ़ाते हैं, जो पाठशाला में उनका ध्यान रखते हैं, वो सबको भी मैं अभिनंदन देती हूँ। अलग अलग तरीके से जो पतंग उड़ाए गए और अलग अलग टाइप के पतंग उड़ाए गए, वो देख के बच्चों के मुँह पर जो मुस्कान है, वो देख के मुझे एकदम, मुझे मेरे दिल में पूरा सुकून मिला। सर स्ट्रीट ना बाळको साथे पतंग आजे उड़ावी रहा छे आपणे, केवुं लागी रह्युं छे? एक उड़ान चेहरे पे लाए मुस्कान, मेरा मानना है कि इन गरीब बच्चों के हाथ में भी पतंग और दोरा होना चाहिए। तमाम रंगों की पतंगें उड़ती हैं, तमाम लोग पेच काटते भी हैं, सेले से भी लड़ाते हैं, कटती है तो भी उत्साह मनाते हैं। तो ये पतंगों से इतना ही सीखे कि हमको देश को मजबूत बनाना है और हर तरह की पतंग उड़ाना है, हर तरह के मजहब को संभालना है, यही हमारा कर्तव्य और फर्ज है। सर हमने देखा कि आप बहुत मजे से पतंग उड़ा रहे थे, पतंग बचपन में हम बहुत उड़ाते, कोई एक किस्सा शेयर करिए हमारे साथ। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण याद दिलाता हूँ कि हम लोग मध्यम परिवार से थे, एक व्यक्ति बहुत अखा दिन पतंगों के सूतता था, हमने नक्की करा था कि इसकी पतंग और दूरा दोनों ले लेना है। तो एक जन चरखा पकड़ने वाला रहा, एक जन पतंग को छोड़ने वाला गया। उसने शाम को जब पतंग उड़ाई तो जब उसने दोर खींच के पतंग को ऊपर उड़ाई तो एक जन चरखा तोड़ के चला गया, दूसरा दिन झाकड़ा पकड़ने के लिए खड़ा रहा, जैसे इसको सेल देते देते झाकड़ा छोड़ा तो उसका पतंग भी पकड़ लिया। इतने कोई ये ना समझे कि मैं अमीर हूँ तो पतंग उड़ाऊँगा, गरीब पतंग छुड़ा सकता है, लेकिन वो पतंग छुड़ाने भी आनंद होना चाहिए, वो पतंग छुड़ाने के अंदर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो उत्साह ही होना चाहिए। और उत्साह हम इस तरह से भी मनाते थे, पतंग पकड़ के भी, सेल छोड़ के भी और पेच काट के भी। बचपन बचपन होता है, बचपन में सारी ज़िंदगी की यादें संभाली होती है, और बचपन जब निकल जाता है तो उसकी यादें रह जाती है, बचपन चला जाता है। वीएनएम के पतंग उत्सव में सर आप हमारे साथ शरीक हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वीएनएम द्वारा ऐसे सोशल प्रोग्राम ज़्यादातर बड़ौदा सिटी में होते हैं, और पतंग उत्सव की बात करें तो ये उत्सव छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक का ये त्यौहार है, और वीएनएम ने ये शुरुआत सालों से की है, और हर एक पार्टी के लोग और बच्चे स्कूल के वो आज इन्वॉल्व हुए हैं। सबको साथ मिलके कुछ ऐसा प्लान करें कि उनके चेहरे पे सदा मुस्कान रहे। वीएनएम ना पतंग उत्सव में आज तब शामिल थे आचो, क्यों लागी रहो छे सर? આજે જે વીએનએમ તરફથી પતંગ ઉત્સવ મહોત્સવ રાખવામાં આવ્યો છે, ખરેખર મને આમ મજા આવી ગઈ આજે જોઈને કે નાના નાના ભૂલકાઓ જે ભાગ લીધો છે અને જેનો ઉત્સાહ છે એ જોઈને, અને અલગ અલગ પતંગો અલગ અલગ સ્ટાઇલની આપણે જે જાણી કેટલી વજનમાં છે તે બી આપણે આકાશમાં જતી જોઈએ અને જોઈને ખુશીની લાગણી અનુભવી।
यही है कि आदमी की सोच होनी चाहिए कि जब तक आदमी की सोच और उसकी नीयत नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। आज क्योंकि हर आदमी कुछ भी दे सकता है, कोई किसी को पैसा दे सकता है, कोई किसी को धन दे सकता है, कोई कोई दौलत दे सकता है या हर चीज़ दे सकता है, लेकिन हर किसी आदमी को अगर उसकी एक मुस्कान मिल जाती है, एक खुशी मिल जाती है, उसके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान के जो अंदर से आती है, इसके लिए कोई भी परचेसेबल नहीं होता, कोई रुपया नहीं काम लगता। सहे दिल से वंदन करता हूँ और अभिनंदन देता हूँ कि समाज के हर लोगों को आज मीडिया भी आ गया कि ये जो काम कर रही है, क्योंकि हर खुशी हम लोग हम अपने त्यौहार में मस्त होते अपने करते लेते, लेकिन इस त्यौहार के वजह पे ये छोटे छोटे बच्चे का होगा। साथ साथ में ये भी कहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आप ऐसी चीज़ रास्ते पे मत रखिए या ऐसे मत उड़ाइए कि जिससे आने वाले लोगों को कुछ नुकसान हो। वीएनएम ना पतंग उत्सव में स्ट्रीट बाळको साथे आज आपणे पतंग उत्सव मनावी रह्या छे, सर केवुं लागी रह्युं छे? कदाच आ जिंदगीमां यादगार दिवस हशे के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्ट्रीटना छोकराओ माटे जो आ कार्यक्रम करे એ ખરેખર વીએનએમ માટે અમારા માટે ગૌરવરૂપ છે। સર આ બાળકો સાથે આજે કેવું લાગી રહ્યું છે? કીધું આજે બાળકો સાથે પહેલીવાર આવો કોઈ પ્રયાસ કર્યો હશે, લોકો પતંગ ઉત્સવ કરે છે, અમારું કોર્પોરેશનએ કરે છે, તો મોટા મોટા માણસોને બોલાવે છે, પ્રસિદ્ધિ પામેલા લોકોને બોલાવે છે, પણ સ્ટ્રીટના છોકરાઓને બોલાવી આ પહેલ કરી છે એ ખરેખર આવકારદાયક। વીએનએમ ટીમને મારા હાર્દિક અભિનંદન છે, એટલા માટે કે જે બાળકોને પતંગ માટેના બાળકો પાસે પૈસા નથી હોતા, એમના ફેમિલી પાસે પૈસા નથી હોતા, દોરા માટે પણ પૈસા નથી હોતા, અને નાનપણ યાદ કરીએ તો શહેરમાં પતંગ પકડવા અમે છાપરે દોડતા હતા અને નાની મોટી ખાઈ હોય તો કૂદતા હતા। મને યાદ છે કે મસ્જિદ પાસેના મકાનમાં અમે પતંગ ચગાવીએ અને પછી પતંગ બીજે છાપરે ગઈ હોય તો મસ્જિદની પાળી પર દોડતા હતા। તે વખતે ભય નહોતો લાગતો, પણ ઘણી વખત એવું લાગે નીચે જોઈએ તો કે અહીંથી જો પડ્યા તો જય શ્રી કૃષ્ણ। તો વીએનએમએ આ જે પહેલ કરી છે બાળકોને પતંગ આપવાની, દોરો આપવાની, ચશ્મા આપવાની, એ ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે। વીએનએમ કે સાથ સ્ટ્રીટ બચ્ચો કે સાથ આજ પતંગ ઉત્સવ મનાયા, મીરા કેસા લગ રહા હૈ? પહેલી વાર તો મેં વડોદરા મેં હોતી નહીં ઉત્તરાયણ કે વખત, મુજે પતંગ ઉડાને કા બહોત શોખ હૈ પર મુજે કભી ચગાને નહીં મિલતી હૈ, સો મેને સોચા કે અગર આજ કુછ હૈ તો ચલો મેં ભી દેખને જાતી હું, મેં ભી દેખતી હું કે એક્ચ્યુઅલી મેં કૈસે બડી બડી પતંગે સબ ઉડાતે હૈ। એન્ડ દેન યહાં પે જો સ્ટ્રીટ બચ્ચે હૈ ઉનકો એક્ચ્યુઅલી મેં ઇતના ચાન્સ નહીં મિલતા હૈ, ફેસિલિટીઝ નહીં મિલતી હૈ કે વો લોગ પતંગ ઉડા સકે એન્ડ એન્જોય કર સકે, સો દિસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ઇનિશિયેટિવ કે યુ નો બચ્ચો કો ભી યહાં પે પતંગે દી જા રહી હૈ એન્ડ ઉનકો उनके फेस पे जो स्माइल आता है ना भाई, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये लोगों की डेली लाइफ में कुछ इतना ज़्यादा होता नहीं है, उनको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, सो एक चांस अच्छा होता है जब इनको यू नो खुशी मिलती है एंड वो एंजॉय कर सकते हैं अपने आप को। यहाँ पे इनके लिए स्टडीज़ के चांसेस बहुत कम है, सो यू नो उनको ज़्यादा थोड़ा सा भी सपोर्ट किया जाए कि वो लोग स्टडीज़ कर पाए एंड देन उनके जो ड्रीम्स है वो पूरे करने के लिए भी थोड़ा सा भी सपोर्ट किया जाए। जैसे मैं गोकार्टिंग में हूँ, सो मुझे थोड़ा सा भी मेरे पापा ने सपोर्ट किया तो मैं आगे बढ़ी, सो उनको भी सपोर्ट किया जाए कि वो लोग अपने ड्रीम्स अचीव कर सके। और पाठशाला के बच्चों ने तो एंजॉय किया ही है, मगर पाठशाला की जो टीम है वो भी उतना ही एंजॉय कर रही है। आप देख सकते हैं इतना एंजॉय कर रही है ये टीम, ये टीचर नहीं है आज वो खुद भी बच्चे बन गए हैं और बच्चों के साथ में, बच्चों ने तो एंजॉय किया ही है मगर आज ये भी उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों की खुशी के साथ में खुद को खुश होना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो नहीं, खुद भी उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो टीम है ना, वाकई वो बच्चों में जो भरने आई थी वो खुद इतना खुश होकर खुद में उन्होंने जोम भर लिया है। मकर संक्रांति का ये पर्व इन बच्चों के साथ, पाठशाला और पाठशाला की टीम लपेट रही है। तो गई
ये स्ट्रीट चिल्ड्रन ही उनका परिवार है और स्ट्रीट चिल्ड्रन को अपने परिवार की तरह मानकर, अपने परिवार की तरह रखकर साथ में एंजॉय करना, वाकई ये भी एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। पतंग उत्सव के आयोजन पर पाठशाला के शिक्षकों ने खुशी जाहिर की। हम बात करेंगे पाठशाला की टीम से। हमने तो सिर्फ एक दिन की और वो भी आधे दिन की कोशिश की इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने की, मगर ये टीम 365 डेज उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए जो कोशिश कर रहा है स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली पाठशाला, वाकई एक बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। और पाठशाला के टीम मेंबर मेरे साथ है। सबसे पहले हम भरत सर से बात करेंगे। सर, एक बहुत अच्छी कोशिश है पाठशाला को चलाने की। फुटपाथ के बच्चों को जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा ही होता है, हमारा एक माइंडसेट है, मगर उनको घर आपके तक लाना और उनको पढ़ाना, ये सोच वाकई बहुत सराहनीय है। आज इस कार्यक्रम में बच्चों को लेकर आप आए, क्या फील किया सर? हमको ये बहुत अच्छा लगा कि VNM ने एक प्रयास किया कि हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन को इकट्ठा करके एक्सक्लूसिवली फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑफ स्रोतोस्वनी पाठशाला के लिए आपने जो कार्यक्रम किया उसके लिए मैं पाठशाला की ओर से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आप सबका जो इसमें योगदान है वो काफ़ी सराहनीय योगदान है और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। हमारी पूरी टीम बड़ी खुशी से आज ये प्रोग्राम में शामिल हुई है। मैम, आप क्या बताएंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम, क्या बताएंगे आप, आज बच्चों को लेकर आप आए हैं यहाँ पर, कई कार्यक्रम में आप जाते होंगे बच्चों को लेकर, कई ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, इस कार्यक्रम को आप किस नज़रिए से आपने देखा, क्या अच्छा लगा? आज बच्चों ने डबल खुशी से पतंग उड़ाया, जो कि बच्चों को बनाने में भी मज़ा आया और उनकी चेहरे में जो खुशी देख के जो हमको खुशी हुई उसका तो कोई मोल ही नहीं है। पाठशाला को चलाने में आप लोग क्या क्या मशक्कत करते हैं, क्या इनिशिएटिव होता है एवरी डे का आपका? हम सवेरे 7:30 बजे हमारे फ्रेंड लोग सब अलग अलग जगह पे जाते हैं। 3 जगह से हमारे बच्चे आते हैं, एक फतेहगंज फुटपाथ से, एक सरदार स्ट्रीट से, एक जेठलपुर परशुराम भट्टाचार्य से। तो वहाँ 7:30 बजे हमारे वॉलेंटियर पहुँच जाते हैं और वहाँ उनको उठाते हैं, ब्रश कराते हैं, चाय पिलाते हैं, कंघी करते हैं और वो सब करके हम उनको 8:30 बजे स्कूल पे लेके आते हैं। कभी कभी हम हमारे खुद के बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने में भी कंटालते हैं, तो ये 365 डेज इनको खुद के बच्चों को तैयार करके फिर स्ट्रीट के बच्चों के लिए बाहर निकलना, वो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे इस आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में? आज हमको बहुत अच्छा लगा है, हम बहुत एंजॉय किया है बच्चे के साथ। थैंक यू। आप क्या कहेंगे मैम? जो पतंग बनाने का सिखाया वो बहुत अच्छा किया। किसी को अगर आता है, कोई कोशिश करेगा घर जाके, तो उसको भी एक अच्छा स्कोप रहेगा उसके लिए। थैंक यू। यही कोशिश है VNM की कि कुछ अच्छा बच्चों को दे सकें। आप क्या कहेंगे? हम और हमारे बच्चे बहुत ही खुश हैं, बहुत खुशी हुई बच्चों को भी यानी हम लोगों को भी, बच्चों को खुशी उसमें हमारी खुशी है। क्या बात है, आपने क्या किया? बच्चों के साथ हम लोग को बहुत एंजॉय किया, बहुत बहुत सारा एंजॉय किया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने तो माहौल को रंगीन बना दिया। थैंक यू VNM। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? बच्चों को पतंग चकाने का बहुत शौक था, आज उनकी इच्छा पूरी हो गई, बस हम भी यही चाहते हैं, उनके साथ हम भी खुश हैं। VNM को धन्यवाद कहना चाहूँगी, हमने और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे बच्चे हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनको ये पतंग और जो धागा है वो सब मिल नहीं पाता, तो यहाँ पर आके उनको वो फैसिलिटी भी मिली, घर भी ले जा रहे तो घर पर इंजॉय करेंगे, प्लस यहाँ पर भी सबके साथ इंजॉय किया। सो थैंक यू VNM।
हमारे वडोदरा शहर के जो लोग हैं ना, वाकई बहुत ही दिलदार हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें कमिट किया था कि हम लोग बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, जैसे विष्णु ऑप्टिक ने सारे बच्चों को सनग्लासेस दिए हैं मकर संक्रांति पे पहनने के लिए, और इसके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था, सिर्फ यहाँ कुछ लेकर आए बच्चों के लिए और उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसके लिए भी वाकई बहुत बिग थैंक यू है VNM की ओर से। और मैम, आप पूरी ये जो टीम है ना, उसमें सबसे बड़े, मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बुजुर्ग हैं, आप सबसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ ऐसा खेलने से, तो मेरा तो उम्र कम हो गया, मैं 72 ईयर्स, इससे लगा मैं जब 50 हो गया। अरे वाह, बहुत बहुत कुछ पूछा, आप लोग का बहुत धन्यवाद है, इतना आनंद मिला मैं कह नहीं सकती, कहने की कोई बात नहीं है। पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को कलकत्ता गया दो तीन दिन से, बहुत मिस किया, जल्दी निकल आया, वो बोले थोड़ा दिन रहो, नहीं 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 रहो, बहुत अच्छा लगा। हम लोग हमेशा ना यंगस्टर्स को कोसते रहते हैं कि ये नहीं करता, वो नहीं करती, हमारे हमारे बच्चों को हम लोग हमेशा कहते रहते हैं, मगर यहाँ बहुत सारे यंग चिल्ड्रन हैं जो इस पाठशाला में जुड़े हैं, आप एज ए स्पोर्ट्स टीचर इसमें जुड़े हैं, क्या कहेंगे इस होल प्रोग्राम के लिए? काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी लाइवली एटमॉस्फियर है, जनरली बच्चों को इस तरह का रिसोर्सेज मिल नहीं पाते, हम लोग पतंग उड़ाते हैं, वो लोग जनरली पतंग बेचते हैं, अभी VNM ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है जहाँ पे वो लोग रिसोर्सेज दे रहे हैं, उनको पतंग बनाना सिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छा पतंग बनाते हैं वो लोग, और काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों को, अभी वो सारे बहुत खुश है, और थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आप क्या कहेंगे? बिग थैंक यू टू VNM फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, और बच्चों को उत्तरायण से पहले ही उत्तरायण मनाने का मौका मिल गया, एंड पतंग बनाने का उनको मौका मिल गया, विच नॉर्मली बच्चों को नहीं आता, रेडीमेड पतंग ही खरीदते हैं, तो सीखने को भी मिला उनको, सो थैंक्स टू VNM। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप हमारे साथ साथ ये बच्चे आप लोगों को भी मिले तो उनको भी लगा कि नहीं, इतने ही मेंबर नहीं है, हमारे साथ और भी है, तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सही बात बोली। ये देखकर तो आपको भी यही लगा होगा ना कि हर बच्चे को, हर वर्ग के, हर तबके के लोगों को उत्सव मनाने का अधिकार है, और यही कोशिश हम सबको मिलकर कहीं ना कहीं करनी चाहिए। हम तो अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ पतंग उड़ाने का आनंद ले ही लेते हैं, लेकिन उत्तरायण में हम दान पुण्य और साथ ही लोगों के चेहरों पर खुशी लाने का जो छोटा छोटा काम कर सकते हैं, वो भी त्योहार की गरिमा को बरकरार रखता है। VNM टीवी के साथ मिलकर आप भी हमेशा इसी तरह की सोशल एक्टिविटीज में जुड़े रहते हैं। VNM टीवी जरूर देखते रहे। नमस्कार।